हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओशियन ऑफ नॉलेज। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूँ जो कि इंग्लिश लिटरेचर का है। तो चलिए आज हम स्टडी करेंगे क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का टाइटल है सुकरात। तो चलिए, सुकरात जो कि महान दार्शनिक हैं, एथेंस के रहने वाले थे, उनके विषय में हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। एक छोटा सा सूचना आपको मैं प्रदान करना चाहता हूँ कि इससे पहले मैं पार्ट 1 वीडियो जो कि सुकरात चैप्टर का ही है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो कृपया करके उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा ताकि प्रारंभिक स्टोरी जो समरी ऑफ द लेसन है वो आपको ज्ञात हो सके और उसका बेनिफिट आपको मिल सके। तो चलिए आगे की स्टोरी को हम शुरुआत करते हैं, देखते हैं राय की। बट ऑल्दो मेनी पीपल लव्ड द ओल्ड मैन, कह रहा है कि यद्यपि कि उस बूढ़े व्यक्ति से यानी सुकरात से सभी लोग प्रेम करते थे, ठीक है ना, या बहुत सारे लोग प्रेम करते थे, एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम और उनकी बुद्धि का सब लोग प्रशंसा करते थे, सभी लोग आनंद लेते थे, दे वेयर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, लेकिन देयर वेयर सम who did not approve of him, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनको मान्यता नहीं देते थे, उनके विचारों को मान्यता नहीं देते थे, ठीक है ना। He thought that man's own mind influenced his conduct more than the gods. सुकरात ने सिखाया था कि भगवान की अपेक्षा या देवताओं की अपेक्षा मनुष्य का खुद का मन मस्तिष्क उसे ज़्यादा, उसके आचरण को ज़्यादा प्रभावित करता है। दिस सिम्ड टू सम पीपल ए न्यू एंड वीक आइडिया, और यह कुछ लोगों को यह वीक आइडिया लगा, नया और वीक मैंने दुष्ट भरा आइडिया विचार लगा, ठीक है ना। बहुत लोगों को ऐसा लगा कि ये आइडिया क्या है, बिल्कुल नया है, ऐसा बोलना बिल्कुल अनुचित है। ही सेड दैट देयर वेयर हायर एंड नोबलर डीड देन मेकिंग सेक्रीफाइस टू एथेंस एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीक। कह रहा है कि सुकरात ने अपने शिष्यों को बताया कि एथेंस या ग्रीक के देवताओं के प्रति समर्पित होने या बलिदान होने से की तुलना में भी कोई बहुत ऐसे भी हायर मैंने उच्च स्तरीय और सम्मानित कार्य हैं जो कि हमें करना चाहिए। एंड मैनी पीपल थॉट दैट ही वॉज लीडिंग द यंग स्ट्रे, और इस तरह से बहुत लोग ऐसा सोच रहे थे कि वह नवयुवकों को क्या कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, पथभ्रष्ट कर रहा है और क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट टू बिलीव एंड फिलिंग देयर माइंड विथ डाउट। वह क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है सभी से, उन सभी से क्वेश्चन पूछ रहा है और उनको they had been taught to believe and filling their minds with doubt, और उन्हें ऐसे चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है, ऐसे चीज़ों को सिखाया जा रहा है जो उनके मन में क्या कर रहा है, संदेह पैदा कर रहा है, उनके मन में डाउट उत्पन्न कर रहा है, ठीक है ना, उन लोगों को पथभ्रष्ट कर रहा है। तो ऐसी चीज़ों के विषय में बहुत से ऐसे लोग थे जिनके मन में ऐसा विचार आया कि सुकरात बच्चों को नवयुवकों को भड़का रहा है, ठीक है। द मैन हु वेयर गवर्निंग एथेंस समंड सुकरात टू अपीयर बिफोर देम, कह रहा कि जो लोग मतलब कि गवर्नमेंट एथेंस में शासन कर रहे थे वे लोग सुकरात को बुलावा भेजे, ठीक है ना, बिफोर देम अपने सामने उन्हें उसे पेश करने के लिए बुलावा भेजे, एंड टू स्टैंड द ट्रायल, और उसे अपना मुकदमा लड़ने के लिए कहे, ठीक है। हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम टू एस्केप और टू हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन,
उनके जो फ्रेंड से मित्र थे बेग्ड, उनसे प्रार्थना किए, निवेदन किए टू एस्केप, मैंने बच करके भाग निकलने के लिए, आर हाइड मिस, छुप जाने के लिए, अनटिल द स्टॉर्म हैड ब्लॉन, जब तक ये तूफान थम नहीं जाता है, जब तक ये तूफान पूरी तरह से ब्लॉन ओवर नहीं हो जाता है, तब तक उनको छुपने के लिए या बच से निकल कर भागने के लिए उन लोगों ने निवेदन किया। बट सुकरात वॉज नो कावर्ड, लेकिन सुकरात डरपोक नहीं था। ही न्यू दैट ही हैड डॉन नथिंग रॉन्ग, उसे पता था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। एंड दैट ही हैड ओनली टॉट वाट ही बिलीव टू बी जस्ट, और उसने केवल वही चीज़ें सिखाया था जिस पे उसे भरोसा था, जिसको उसने न्याय उचित समझा, ट्रू मैंने सत्य समझा, एंड ऑनरेबल मैंने सम्मानित समझा। सो ही वेंट टू द कोर्ट, इसलिए वे कोर्ट गए। हिज क्लॉथ्स एंड शूज वेयर डस्टी, उनके जो कपड़े थे और जूते, वेयर डस्टी मैंने धूल धसित हुए थे, एंड ट्रेवल स्टेन, और जिस पे यात्रा के धब्बे लगे हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। बट एवरी वन नो दैट ए न्यू ए नोवल हार्ट बीट अंडर द सैबी गारमेंट्स, लेकिन सभी लोग जानते थे कि उस सैबी गारमेंट्स के नीचे एक फटे पुराने कपड़े के नीचे एक हृदय धड़कता है। ठीक है, एक सम्मानित हृदय धड़कता है, ये बात सभी लोग जानते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ही मेड ए पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक शक्तिशाली और एंड डिग्निफाइड गौरवशाली स्पीच उन्होंने दिया। ठीक है, कोर्ट में ही। ही टोल्ड द एथेनियंस दैट दे वुड गेन नथिंग बाई टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, और उन्होंने यह बताया कि ही टोल्ड द एथेनियंस, मैंने उन्हें एथेंस एथेनियंस ने एथेन वासियों को उन्होंने यह बताया कि दे वुड गेट नथिंग, कि वे अब कुछ भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे बाई टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर ऑफ हिज लाइफ, उनके जीवन के बचे कुचे दिनों में, बचे कुचे सालों में उन्हें कुछ कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ठीक है ना, उनसे कुछ भी उपेक्षा न रखें। बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई मैनी डेथ्स फॉर वाट ही बिलीव टू बी राइट, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो चीज़ें वे उन्हें सत्य लगता है, जो चीज़ें उन जिनको जिन चीज़ों को सत्य मानते हैं, जिन चीज़ों पर वे विश्वास करते हैं, उन चीज़ों के लिए वो सैकड़ों बार या कई बार मरने के लिए तैयार हैं। ठीक है, वह बच करके भागना नहीं चाहते थे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो भी कुछ कहा था वह सत्य ही कहा था, इस वजह से नहीं बच कर भागना नहीं चाहते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। जज लिसन टू हिम, जज न्यायाधीश ने उनकी बातों को सुना। क्वेश्चन हिम, उनसे प्रश्न भी बहुत सारे किए। एंड कंडेम हिम टू डेथ, और उन्हें मृत्यु की सजा भी सुना दिए। ठीक है, द ओल्ड मैन मेड नो कमेंट नो कंप्लेंट, कह रहा है कि उस बूढ़े व्यक्ति ने, यानी बूढ़े व्यक्ति यहाँ पर सुकरात को कहा गया है, कोई कंप्लेंट नहीं किया, कोई शिकायत नहीं किया। ही लर्न ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, और वो अपनी छड़ी पर, स्टिक माने छड़ी पे झुके रहे। लुकिंग मीन्स देख रहे थे अराउंड द क्राउडेड कोर्ट रूम, अराउंड मैंने चारों तरफ, द क्राउडेड मीन्स भीड़ भीड़ लोगों के भीड़ से लोगों से भीड़ हुआ था। ठीक है ना, कोर्ट में, कोर्ट रूम में लोगों के भीड़ इकट्ठा हुआ था, उन लोगों को देख रहे थे चारों तरफ। प्लूटो यहाँ पे, प्लूटो एंड हिज अदर पीपल्स वेयर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम, उनके प्लूटो और उनके अन्य शिष्य भी वहाँ पे हर समय वहाँ कोर्ट में मौजूद रहे। नो इविल कैन हैपन टू ए गुड मैन, और उन्होंने क्या कहा, ही टोल्ड देम, और उन्होंने उनसे कहा कि किसी भी अच्छे आदमी के साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। ठीक है, अपने शिष्यों को सुकरात ने बताया। आइदर इन लाइफ आर आफ्टर डेथ, कह रहा है कि जीवन में
ठीक है ना, या मृत्यु के बाद, जीवन में या मृत्यु के बाद कभी भी किसी भी अच्छे आदमी के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है। सो बी ऑफ गुड चीयर्स, इसलिए सदैव खुशहाल रहो, प्रसन्नचित रहो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है या मुझे जाना पड़ेगा। द आवर्स ऑफ माई डिपार्चर हैज अराइव्ड, कराए सुकरात ने कहा कि मेरे जाने का, विदा होने का समय अब आ चुका है। एंड वी गो आवर वेज, हम अपने रास्ते पे चलते हैं, जा रहे हैं। आई टू डाई एंड यू टू लिव, मुझे तो मरना है और आप तुम सभी को जीना है, ठीक है ना। मुझे तो मरना है अब, लेकिन आप सभी लोग को जीना है, अभी भी जीना है। उन्होंने अपने शिष्यों को ये सारी बातें बताई, ठीक है। देन द सोल्डर केम एंड टूक हिम अवे टू द प्रिजन, तब कुछ सैनिक आए और उन्हें जेल में लेकर चले गए, ठीक है ना। हिज वाइफ फॉलोड विथ हिज थ्री चिल्ड्रेन, उनकी पत्नी भी पीछे पीछे चल गई अपने तीन बच्चों के साथ, उनकी पत्नी अपने तीन बच्चों के साथ उनके पीछे पीछे चल दी। मैनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल्स वेयर आल्सो विद हिम, बहुत सारे उनके जो बहुत प्रिय शिष्य जो थे उनके पीछे पीछे चल दिए, वो भी उनके साथ ही चल दिए जेल में भी, ठीक है। फार ए लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक। दे टॉक टू हिम, वे उनसे बातचीत करते रहे सुकरात से, ठीक है। एंड ही थॉट, ही टॉट देम मेनी वाइज लेसन्स विच दे ट्रेजर्ड इन देयर हार्ट्स, और उन्होंने यानी सुकरात ने उनको बहुत सारे ऐसे ज्ञान की बातें, ज्ञान के पाठ पढ़ाए, सिखाए, जिनको उन्होंने हृदय में हमेशा के लिए ट्रेजर्ड माने खजाना के, बहुमूल्य खजाना के रूप में उन्होंने संचित कर लिया। कौन? उनके शिष्यों ने, सुकरात के शिष्यों ने। बट ऑल द टाइम हिज फ्रेंड्स न्यू दैट सुकरात वुड डाई सून, लेकिन ऑल द टाइम इस हर समय उनके मित्र जो थे, उनके जो शिष्य थे, ये बात जानते थे कि सुकरात शीघ्र ही मर जाएगा, ठीक है ना। देयर वर सेड, और यही क्या था, एक दुख का कारण था, इसी वजह से सारे लोग दुखी थे। फार एज प्लूटो रोड, क्योंकि जैसा कि प्लूटो ने लिखा है, ही वॉज लाइक ए फादर ऑफ होम वी वेयर बींग ब्रिब्ड, सुकरात, प्लूटो ने क्या लिखा है, लिखा है कि वह मेरे पिता की तरह थे जिससे मुझे वंचित किया जा रहा था। एंड वी वेयर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ एज ऑर्फन्स, और बाकी कुछ जीवन हम लोग अनाथों की तरह बिताने वाले थे। तो ये पार्ट यहीं पे हम क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो है मैं आगे लेकर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।